गलत था इसलिए क्या मैम क्या बच्चों को भारत माता की जैसे आपत्ति क्या है, आप बता सकते हैं कि भारत माता पे क्या आपत्ति है? किसी को ऑब्जेक्शन है ही नहीं भारत माता बोलने पे, हम भी तो उस देश में रहते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं भारत माता की जय। नहीं तो फिर ये विवाद क्यों बड़ा? आप विवाद है ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं भारत माता की जय, कोई विवाद नहीं है, बच्चों ने बोला था, बोला था, लेकिन बच्चों को किसी दूसरी वजह से अगर उसको बैठा के नीचे बैठा के काम कंप्लीट करने के लिए दिया गया तो भारत माता की जय बोलने की वजह से कोई विवाद नहीं। संविधान में नीचे उठाना नहीं है, अगर थोड़ा बच्चा नीचे बैठ के थोड़ा सा काम कर लेगा तो संविधान वाली बात नहीं है सर। भारत माता की जय चार पीरियड मैम सुनने में ये भी आता है कि जो बीपीएल धारी आपके यहाँ पे एडमिशन के लिए है वो तीसरे माले पे जमीन पे बैठाया जाता, ना तो उसमें कोई सुविधा है, तो क्या ऐसा भी कुछ है? तमाम शिकायतें पेरेंट्सों की हमारे पास आती है, और उसमें पंखे भी नहीं लगे हुए, गर्मी में उसी तरीके से बैठते हैं, तो इतना भेदभाव क्यों? बीपीएल एसी लगे, तो पेरेंट्स अगर गलत बोलते हैं क्या? आप जाके देखिए ना, एसी लगे हुए हर क्लास में, हर साल में जी जी सर, हर क्लास में चार पार वो काफी है, एक मंजिल में एसी भी लगाया है, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि भेदभाव किया जाता है। देखो ऐसे पेरेंट्स आप लेके आएंगे, हम उनको दिखाएंगे, बात भी करेंगे, हम तैयार है। बच्चे ने कल बच्चे को चार घंटे बिठाया, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, दो घंटे नीचे बिठाया है।